नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अहम है, ये है सारे स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो है आर्टिकल राइटिंग, जो एक नया क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के लिए है। सीबीएसई बोर्ड में पहले से ही आ रहा था, तो हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। आपसे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द सेंचुरी एज वेल एज टॉपिक ऑफ द एरा, आज के युग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, माय सेलफोन, मेरा सेलफोन या फिर मेरा मोबाइल फोन। आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेलफोन और मोबाइल फोन, सेलफोन या हमारा मोबाइल फोन हैज बिकम, बन गए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या बन गए हैं, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का हिस्सा। समटाइम्स कई बार तो वी हैव टू फील, हमें ये भी अनुभव करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, दैट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे शरीर का हिस्सा हो गया। हम कहीं भी जाते हैं मोबाइल हमारे साथ होता है, इवन हमारे टॉयलेट और बाथरूम में भी हम ले जाते हैं इसे। इट हैज बिकम एज इंपॉर्टेंट एज आवर हार्ट और लीवर, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है अतिशयोक्ति में, ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल जैसा हमारा हार्ट और हमारा लीवर। इट हैज गिवन अस सो मेनी फैसिलिटी, जिसने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं, दैट वी ऑल हैव बिकम इट्स स्लेव्स, कि हम इसके गुलाम या दास बन गए हैं। इट प्रोवाइड्स अस ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इसने हमें सभी प्रकार का ज्ञान दिया है और जानकारियां दी हैं। इट हैज बिकम आवर फ्रेंड, एडवाइजर, टीचर एज वेल एज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनर ऑफ दिस एरा, ये हमारा दोस्त बन गया है, हमारा साथी बन गया है, हमारा सलाहकार बन गया है, हमारा टीचर बन गया, और साथ ही साथ आज के दौर का सबसे बड़ा एंटरटेनर, हमारा मनोरंजन करने वाला भी बन गया है। हम लोग टीवी से लेकर मोबाइल पर उतर आए हैं। बट इट हैज ब्रॉट न्यू प्रॉब्लम्स टू, लेकिन ये कई समस्याएं भी लाया है। कैसी? People have become sick of it. लोग इसके बीमार हो गए हैं, इसके बिना पगलाए रहते हैं। When they see that the network of their mobile phones is not helping, जब भी ये देखते हैं कि इनके मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, they become very upset, बड़ा परेशान हो जाते हैं, भागे भागे फिर रहे होते हैं। It has separated parents from their children, इसने माँ बाप को बच्चों से दूर कर दिया और वाइस वर्सा है, साहब बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया है, एज वेल एज लाइफ पार्टनर्स, और साथ ही साथ पति पत्नी को भी एक दूसरे से दूर कर दिया, एक ही बिस्तर पर होते हुए अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। थोड़ी सी त्रासदी है, लेकिन ये आज का सच है। चिल्ड्रन हैव बीन ग्रोइंग यंगर बिफोर दियर एज, और आजकल के बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, यानी कि उम्र से ज्यादा उन्हें जानकारियां मिल रही हैं, या फिर कह सकते हैं जो जानकारियां उन्हें मिलनी चाहिए उसकी बजाय वो उन जानकारियों को ले रहे हैं मोबाइल के जरिए, जो शायद अभी उनको पाने का समय नहीं आया था। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इट मे ब्रिंग सम न्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस न्यू एरा, इस नई एरा में जो नया युग है इसमें और नई समस्याएं भी आ सकती हैं और आ चुकी हैं। वी मस्ट ट्राई टू लिव अ लाइफ विदाउट आवर सेलफोन फॉर सम टाइम एवरी डे, संभव हो तो ऐसा करना चाहिए कि हम प्रतिदिन थोड़ी देर बिना मोबाइल के भी रह सकें। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। वी मस्ट नॉट बी सिक ऑफ इट, और हमें किसी भी कीमत पर अपने मोबाइल फोन का रोगी नहीं बनना है, इसकी इतनी आदत नहीं डालनी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना सबसे प्यारा पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी, नमस्कार, बाय।